वंदे मातरम साथियों, हमारे राजीव भाई के इस चैनल को और उनके वीडियोस को आप सभी ने बहुत प्यार दिया। आपके इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप श्री राजीव भाई के विचारों को सुनते और देखते आए हैं और आगे भी आप राजीव भाई के वीडियोस देखते और सुनते रहेंगे। इन सभी वीडियोस में एक छोटा सा बदलाव किया गया है। सभी वीडियोस में एक छोटा सा इंट्रो होगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि राजीव भाई का ये वीडियो किस विषय पर है, वीडियो में किस विषय पर जानकारी दी गई है। और इस इंट्रो के बाद आप राजीव भाई के व्याख्यान को पहले की तरह उनकी ही आवाज़ में सुन सकेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए सुनते हैं राजीव भाई को। आज के इस वीडियो में राजीव भाई ने दमा, अस्थमा, छाले, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, अर्थराइटिस, गैस, माइग्रेन और शुगर जैसी अन्य कई बीमारियों के बारे में बताया है और उनकी सरल घरेलू चिकित्सा भी बताई है। वीडियो काफ़ी लंबा है और इसमें बहुत सी जानकारी है जो आपके बहुत काम की है। तो आइए सुनते हैं राजीव भाई को। ये जो नारियल होता है ना, नारियल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई। तो मैंने आपसे कहा जो भी फल में रस नहीं है वो क्षारीय है और जो भी फल में रस है वो अम्लीय है, लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है जो क्षारीय है रस होते हुए भी। तो ये क्षारीय है। अब ये क्यों है, ये बाद का विषय। तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं, दमा के शिकार हैं, तो नियमित रूप से नारियल खाइए, हरा नारियल खाइए, कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है, चबा चबा के खाइए। कितना खाएं जी, एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा। तो दालचीनी और गुड़ लिया और नारियल चबा के खाया, 3 महीने के बाद आपका अस्थमा जड़ से खत्म होगा, वो 40 साल पुराना हो तो भी। इसके बाद हाँ, बाकी तो आंखों की। मुंह में छाले बहुत रहते हैं, ये मुंह में छाले बहुत रहते हैं, इसका माने पेट आपका साफ नहीं है, बड़ी आंत आपकी कचरे से भरी हुई है। तो मुंह में छाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बताया ना, पानी उठते ही पिए, घूट घूट पिए, तो छाले अपने आप खत्म। जैसे ही बड़ी आंत साफ हो जाएगी छाले कभी नहीं आएगी। और अगर आपको ये करने के बाद भी छाले में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं जो होम्योपैथी की दुकान में मिलती है, जो बड़ी आंत को सबसे जल्दी से साफ कर देती है। उस दवा का नाम है बोरेक्स। सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं ना, सुहागा आंत को साफ करने वाली सबसे तीव्र दवा है, तीव्र। इसी का डाइल्यूशन करके होम्योपैथी में बनाया बोरेक्स। तो ले लें किसी भी होम्योपैथी की दुकान से, खरीद लें 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, इसके तीन ही खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं, क्योंकि यह तुरंत बड़ी आंत को साफ करता है। पानी करेगा, धीरे धीरे करेगा। बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है, लेकिन बागवट जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए, तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए। वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है। तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें, और अगर आप बहुत परेशान हैं तभी बोरेक्स का इस्तेमाल करें। और ये दवा हमेशा पानी में डाल के लें, एक बूंद डाल दें पानी में और उस पानी के तीन हिस्से करके उसको पी लें, एक कप पानी हो, आधा कप पानी हो, चौथाई कप पानी। आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें, मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं, फिर दोहरा हूं। आपको सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूं वो ये, जिनको भी डार्क सर्कल है, सवेरे उठे सबसे पहला जो आपका थूक है, मुंह का लाय है, इसको आंखों के नीचे लगा के मालिश करें, हल्की हल्की मालिश करें, आपके सारे डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। और ये जो सुबह का मुंह का लार है, इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं। खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, हर जगह इसको अप्लाई करें और हल्की हल्की मालिश करें। कोई कहेगा कि बहुत ज्यादा शरीर में है तो इतना तो थूक बनता ही नहीं है, और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो ऐसी स्थिति में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को 4 बजे मिले, मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूंगा या लिखा दूंगा जो थूक भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज, खुजली, दाग, धब्बे सब मिटा देगी। वो व्यक्तिगत है। नींद बराबर नहीं आती,
नींद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजिए कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है, तो अच्छी नींद कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय मैंने बताया था, रात को गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोए। गाय का घी हल्का गर्म करके, जब वो तरल हो जाए उतना ही गर्म करें, और एक एक बूंद दोनों नाक में डालें और हल्के से खींचे, ज्यादा तेज नहीं, बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जाएगा। बहुत खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है। तो हल्का खींचकर छोड़ दें और सो जाएं, भूल जाएं, फिर नींद बहुत अच्छी आएगी, खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, स्नोरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नींद के समय जो खराब खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं, अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे। रात में नींद कभी खुलेगी नहीं, 6 घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं, कम से कम रात की नींद खुलने का एक वो तकलीफ आ गया ना, पेशाब आती है, नींद खुल जाती है। घी डाल के सोएंगे तो रात को नींद कभी नहीं खुलेगी, 6, 6.5, 7 घंटे के बाद ही खुल। और बच्चों को तो जरूर करें, इससे और एक फायदा होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, अभी है हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का ऊंचा दबाव, अस्थमा, पेट की कब्जी, और इसमें भी फिर आ गया है त्वचा का कालापन, वो मैं उत्तर दे चुका। अब मैं आ जाता हूं ब्लड प्रेशर हाई है। वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये काल्पनिक चीज है, कभी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है तो इतना ही जान लीजिए कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर को ही कह रहा है कि आपका बीपी हाई है, तो समझ लीजिए, इसको बागवती जी दूसरे सूत्र में कहते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। अब रक्त में अम्लता है तो अम्लता को खत्म करने के लिए क्षारीय चीज खाएं, क्षार चीज खाएं, क्षार। अब क्षार वाली चीजें क्या है? सबसे अच्छी क्षार की चीज है मेथी, सब्जी के रूप में भी और दाने के रूप में मेथी। दूसरी क्षार वाली चीज है, आप में से जैन है तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन जो जैन नहीं है उनको बता देता हूं, गाजर। तीसरी क्षार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, सेब, केला, अमरूद, ये क्षारीय है। कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है, ये सब क्षारीय है। सब्जियों में पालक क्षारीय है, बैंगन क्षारीय है, आलू के बारे में कहते हैं ना अम्लीय ना क्षारीय, वो बीच का है। तो जो सब्जियां आपको क्षारीय हैं और जो मसाले माने औषधियां क्षारीय, इनका उपयोग करें तो अम्लता अपने आप कम होगी, तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तो ट्राइग्लिसराइड कम होगा, मोटापा भी कम होगा, सब कुछ कम होगा आपका। तो हमेशा याद रखें, तो मेथी दाने का उपयोग मैंने बता दिया है, पानी में डाल के रात को छोड़ दें, सुबह उठकर दाना चबा के खाएं, पीछे से पानी पिए। गाजर का उपयोग बता दिया, कद्दूकस में घिसे गाजर ले लें, तो कद्दूकस की गाजर को खा लें। और क्षारीय चीज मेथी की सब्जी रोज खाएं, पालक की सब्जी रोज खाएं, हरे पत्ते की कोई भी सब्जी क्षारीय होती है, और फल जिसमें रस नहीं है वो सब क्षारीय होंगे, बस याद इतना ही रखें। तो आप अगर उपयोग करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर तो जाएगा ही, उसके साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, ट्राइग्लिसराइड कम रहेगा, मोटापा कम होगा, पेट आपका कम होगा, और उसके अंत में हार्ट अटैक आएगा नहीं, ब्लॉकेज भी है तो निकल जाए। और एक क्षारीय चीज मैं भूल गया बताना, लौकी, दूधी। सब्जियों में सबसे ज्यादा क्षारीय कोई चीज है तो दूधी, माने लौकी ज्यादा खाएं, दूधी ज्यादा खाएं, और उसका रस भी पिए कच्ची दूधी का तो और अच्छा है, जितने भी हाई बीपी के मरीज हैं उनके। अस्थमा, अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना, वो वायु के प्रकोप की बीमारी है, तो अस्थमा ज्यादा है तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं, दालचीनी, ये क्षारीय है, दालचीनी का उपयोग करें शहद के साथ, शहद क्षारीय है, तो दालचीनी शहद, शहद नहीं ले सकते तो गुड़। अभी आगे का एक प्रश्न, अच्छा गाय के मूत्र के बारे में मैंने आपसे कहा था तो उस पर प्रश्न आए हैं 4-5। गोमूत्र सही गाय का है या उसको कोई बीमारी है, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर गोमूत्र सही नहीं है तो उस हाल में क्या करना चाहिए? मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो बता देता हूं। गाय को हमने 6 साल जहर खिलाया, एक गाय पर ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, 6 साल जहर खिलाया,
सबसे खराब जहर खिलाया, उसका नाम है संखिया, अंग्रेजी में कहते हैं आर्सेनिक। तो हमने गाय को दिया, चारे में मिलाकर दिया, बहुत मामूली मात्रा में, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा देंगे तो गाय मर जाएगी। हमें यह देखना था कि ये थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं तो उस पर असर क्या आता है। तो 6 साल जिस गाय पर हमने ये प्रयोग किया वो गाय अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है और स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। हमने हर बार उसको संख्या दिया और हर दिन उसके मूत्र में टेस्ट किया, आया कि नहीं आया, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, खाओ तो सब कुछ आने ही वाला है मूत्र में और ब्लड में। तो 6 साल लगातार उसको संख्या खिलाने के बाद भी उसके मूत्र में 1.0000 में चले जाए उतना भी संख्या कभी नहीं आया। अद्भुत है ये। अब मुझे पुरानी बात इसमें जोड़नी है, बहुत लोग कहते हैं ना गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है, वो शायद शंकर जी ने पी लिया। शंकर जी तो मशहूर है ना खराब से खराब जहर पीने के लिए, तो शायद गले में शंकर जी हैं गाय के, तो वहीं रुका। और सच में हमने ये देखा, इसमें मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं, आप चाहे तो वो गाय कभी भी आके देख सके। हमने उसके गले के आसपास महसूस किया 6 साल में एक ब्लू कलर का रिंग बन गया है, ब्लू कलर का, और वहां से ब्लड निकाला, उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संख्या है, माने आर्सेनिक है। गले के नीचे वो गया ही नहीं, गले में ही रुक गया, शंकर भगवान ने शायद रोक लिया। तो आप बेखटके गाय का मूत्र पी लीजिए, आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कचरा खा रही है, आप चिंता मत करिए, ये कचरा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक, भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है। लेकिन अच्छा ये होगा आपके दिल और मन की तसल्ली के लिए कि गाय अच्छा चारा खाती हो, साफ सुथरे वातावरण में रहती हो और नियमित घूमने के लिए जाती हो, उसका मूत्र जरूर पिए, वो सबसे ज्यादा लाभकारी तो है। लेकिन कुछ मजबूरी आ गई, मजबूरी से मतलब मैं समझाना चाहता हूं, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां गाय कचरा ही खाती है और आपको ऐसी कोई गाय मिली नहीं रही है जो शुद्ध चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो, और आप किसी बीमारी से तड़प रहे हैं, परेशान हैं, और वो बीमारी में आपको गोमूत्र चाहिए ही, तो बिना संकोच के ले लें, उसका हानि तो नहीं करेगा, कुछ फायदा ही कर जाए। गोमूत्र के बारे में अब तक की जो रिसर्चेज है वो ये है कि इसके साइड इफेक्ट है नहीं। शरीर पता है क्या करता है, आपने मूत्र ज्यादा भी पी लिया तो ये शरीर 20 मिनट के बाद उसको पेशाब के साथ अपने आप ही निकाल देता है, रहने ही नहीं देता उसे। तो थोड़ा ज्यादा पी लिया या खराब पी लिया वो निकल ही जाएगा, जो काम का है उतना ही रह जाएगा। अब गाय का ऐसा बनाया भगवान ने बनाया है, इसलिए भागवत जी कहते हैं कि ये विशेष तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया। तो गाय के बारे में इतना। अच्छा, अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है, अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रश्न आएंगे उनका एक ही साथ ये उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंभीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो, तो हाथ जोड़कर कहता हूं ऑपरेशन तो कभी मत कराना, क्योंकि आप जिस स्थिति में है उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था, नहीं कराया, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर अमेरिका से उस डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर राणावत, और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किए हैं। अटल जी को देख लीजिए आप, पहले तो थोड़ा चल लेते थे, अब तो चलना ही बंद हो गया, सिर्फ व्हील चेयर पर ही रहते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूं। तो आप मत करिए, फिर आप बोलेंगे जी क्या करें, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन मत कराइए, आप क्या करें, अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन भागवत जी के हैं उनका उपयोग करिए। उसके लिए सबसे अच्छा वो बोलते हैं चूना खाइए, चूना क्षारीय है, अम्लता को कम करता है, ज्यादा अम्लता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है, तो चूना खाइए। खाने का तरीका मैंने बता दिया, दही में, छाछ में, पानी में, जूस में, और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशेंट 2 ग्राम खा सकते हैं, स्वस्थ आदमी तो 1 ही ग्राम खाए, चूना खाए। मेथी दाना लीजिए, क्षारीय है, और सबसे क्षारीय चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़। हार सिंगार देखा है,
परिजात, हार सिंगार, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है। सफेद फूल और केसरिया डंडी बहुत तेज खुशबू है, रात को ही खिलता है, रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय माने जाते हैं, जो भी औषधियां। तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाए, चार पांच पत्ते पीसिए, पीस कर पानी में डालिए, खूब उबालिए, पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, फिर ठंडा कर लीजिए, फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सवेरे खाली पेट पीजिए। मैंने ये देखा है, गंभीर से गंभीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफ्ते 10 दिन में ही रिलीफ कर देता है। तो ये कहीं भी मिल जाए, नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुड़वांचरी में है, तो आप थोड़े पौधे बंटवा दीजिए, सब अपने घर में लगा लें, गमले में हो जाता है आसान, और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर, क्यों ये हर घर में रहे पेड़। कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों को। सुगंधी तो आएगी, नींद अच्छी देगा, जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजिए, और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ति देगा, और दोनों तरह की अर्थराइटिस, रूमेटिड और ऑस्टियो, दोनों ही खत्म होती है इस हार सिंगार के पत्ते से। आइसक्रीम कब खा सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और अगर आइसक्रीम खा ही रहे हैं, आप कहते हैं जी मन नहीं मानता, स्वाद है और मुंह को लग गया है, अब क्या, तो इसका एक उपाय बता देता हूं, आइसक्रीम खाइए और पीछे से गर्म पानी में घी मिला के पी लीजिए, तो जो कुछ भी तकलीफ वो करने वाली है उससे आप बच जाएंगे। ना खाएं तो सबसे अच्छा दालचीनी सौंठ का काढ़ा, ये लोग जरूर पिए जिनको अस्थमा है, जिनको अर्थराइटिस है, माने वायु के रोग हैं, वो दालचीनी का काढ़ा जरूर पिए, गुड़ मिला के, मूंगफली और तिल जरूर खाएं। भगवान की दी हुई तिल दुनिया की सबसे अद्भुत वस्तु है। मैं तो आपको कहता हूं, जिंदगी भर मोटापे से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, आपको अर्थराइटिस से बचना है, तो रोज खाने के बाद तिल खाएं चबा चबा के। काला तिल मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो सफेद ही खाएं। और आप जहां रहते हैं, यहां के लिए तो बहुत ही अच्छा, मद्रास जैसे एरिया के लिए। एसिडिटी कम करने के लिए क्या करें, अम्लीय चीज ना खाएं, क्षारीय चीज ज्यादा खाएं, एसिडिटी कम होगी, और पानी घूट घूट पिए, एक डेढ़ घंटे के बाद पिए, सुबह उठते ही पानी पिए, एसिडिटी सबसे पहले खत्म होगी। और आखिरी दवा जो सबसे प्रभावी है, जिनको भी एसिडिटी की बहुत तकलीफ है, खाने के बाद ये जो अजवाइन है ना, अजवाइन, इसको भूने तवे पे और थोड़ा काला नमक मिला के ले लें। मिश्री का सेवन बहुत अच्छा है, चीनी से बहुत अच्छा, लेकिन गुड़ से थोड़ा कम अच्छा। मिश्री चीनी की तुलना में तो बहुत अच्छी है और गुड़ से कुछ कम अच्छी है, तो चीनी छोड़ रहे हैं तो मिश्री पे चले जाइए, मिश्री छोड़कर गुड़ पे आ जाइए। हाँ, एक किसी ने सवाल पूछा है कि आप कौन सी जगह पे परमानेंट मिलते? मैं परमानेंट कहीं नहीं मिलता, लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि राजीव दीक्षित रेल आश्रमी है, माने हर दिन ज्यादा से ज्यादा मैं रेल में मिलता हूं। तो परमानेंट मिलने के लिए एक केंद्र है, आपको उसका पता किताब में है, वो आप ले लीजिए, फोन नंबर, वहां आप कोई भी चिट्ठी भेजेंगे, मैं जहां भी रहता हूं मेरे पास आ जाती है, और ये करेंगे तो मैं हर जगह खोल खोल के मेरा मेल बॉक्स चेक करता रहता हूं। तो वो पता जो वर्धा सेवाग्राम का है, भारत पीठम 10 ज्योतवानी लेआउट, सेवाग्राम रोड, सेवाग्राम, जिला वर्धा, महाराष्ट्र, ये मेरा परमानेंट केंद्र है, वहां आप पत्र भेज सकते हैं, फोन भी कर सकते, वहां फोन कभी भी करें तो पता चल जाएगा मैं कहां हूं। और मेरा मोबाइल नंबर आप सबको मैं चाहूं तो लिखा देता हूं, 9422904290359 9422903599, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और ईमेल एड्रेस है rajivdixitaba@rediffmail.com। और प्रदीप भाई, ये कभी भी आप इनको संपर्क करेंगे तो ये कहीं भी खोज के बताएंगे कि मैं कहां हूं। अभी मेरे पास एक प्रश्न है, वो इस समय के विषय से तो नहीं जुड़ा, लेकिन मैं जोड़ के जरूर उत्तर दे देता हूं। आजकल हमारे घरों में
पेप्सी कोक से भी ज्यादा नूडल्स खाया जा रहा है। पेप्सी कोक कम हुआ है पिछले 2-3 साल में, अच्छा हुआ, नूडल्स खाया जा रहा है। तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है कचरे में कचरा, तो वो यही है नूडल्स। एक तो मैदे की है, ऊपर से सड़ा हुआ है, 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है। और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है, बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता। जो मैगी है ना, मैगी या कोई भी नूडल्स, सुअर के मांस का रस, सड़ा हुआ मैदा 6-6 दिन पुराना, उससे तैयार हुआ है। अब आप तय कर लो खाना है या नहीं खाना। एक प्रश्न है जिसका उत्तर दे नहीं सकता है। किसी ने कहा आज की शिक्षा बहुत बेकार है, वैकल्पिक शिक्षा की बात बताइए, तो समय ज्यादा है, आप मुझे ईमेल करिए, मैं लंबा जवाब दूंगा। गाय का घी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था, तो वो उत्तर दे चुका हूं, फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि गलती ना करे। घी को हल्का गर्म करना है, ज्यादा नहीं। गाय का घी नाक में डालने के लिए हमेशा हल्का गर्म करना है, ज्यादा नहीं। और एक ही बूंद एक नाक में, दूसरी बूंद दूसरी नाक। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल है, दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं? सबसे अच्छा सेंधा नमक खाएं, और इसको याद ऐसे रखें, पत्थर वाला नमक खाएं, ये समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं। पत्थर वाला नमक, एक तो सेंधा नमक है, दूसरा नमक है जो काला नमक है, ये आप ज्यादा उपयोग करें। मेरा तो कहना है कि आज से ही घर में नमक तो तुरंत बदल रहे, बदलते ही आपको असर दिखाई दे जाएगा। आपको जो तकलीफ है ना, ब्लड प्रेशर की, अर्थराइटिस की, ये नमक बदलने से ही बहुत आराम दे देगी आपको, तो सेंधा ही नमक। किसी ने कहा है कि गोमूत्र अर्क लेने में पहले दिन खराब लगा, 3 दिन खराब लगेगा, 3 दिन, 4th दिन से अच्छा लगेगा, तो छोड़े नहीं उसको। एक दिन खराब लगा छोड़िए मत, दूसरे दिन भी लीजिए, तीसरे। गोमूत्र अर्क है ना, तो 1 चम्मच से ज्यादा मत लीजिए, और गोमूत्र प्योर है तो आधा कप लीजिए। किसी को प्रश्न है कि दिन भर नींद आती रहती है, क्या करें? वैसे तो नींद आए तो अच्छा है, लेकिन दिन भर नींद आए तो अच्छा नहीं है, तो क्या करें? इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक क्षार बहुत कम है, और ये वही क्षार है जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है चूने से। जिनको दिन भर नींद आती है वो चूना खाएं, मट्ठे में मिला के, छाछ में मिला के। नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं, किसी ने पूछा है, लगाएं, जरूर लगाएं। नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं, क्योंकि आप चेन्नई में रहते हैं, अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल का तेल, चेन्नई में रहते हैं तो जरूर खा सकते। मालिश करना चाहें जरूर करें। डायबिटीज के लिए क्या करें? डायबिटीज का जो सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया था, मेथी दाना और त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण माने हरदे बहेड़ा आंवला, 1-2-3 अनुपात वाला त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, दोनों मिलाकर गर्म पानी में रात को रख दें, सवेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चबा के खा लें। 3-4 महीने नियमित करेंगे, ब्लड शुगर नॉर्मल आने की पूरी संभावना है। और नहीं आए 3-4 महीने में ब्लड शुगर नॉर्मल, तो एक मुझे ईमेल जरूर करें या फोन करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।